गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, आज हम ये 2 क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एक्सरसाइज 4.1 एंड 4.2 से रिलेटेड है। तो 4.1 एंड 4.2 दोनों में आपको इस टाइप के क्वेश्चंस गिवन है एंड ये लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस हैं, बट इनके अंदर आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ नंबर को रीड करना है एंड उसे लिखना है, देन उन्हें ऐड कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये है आपका नॉर्मल क्वेश्चन विदाउट कैरिंग वाला क्वेश्चन एंड ये है रीग्रुपिंग वाला क्वेश्चन, राइट? तो ये दोनों तरह के क्वेश्चन मैं आपको आज सॉल्व करके बताऊंगी एंड आपको इन्हें अच्छे से समझना है एंड जो इनके अलावा आपको एक एक क्वेश्चन और बुक में गिवन है एक्सरसाइज में, तो वो आपको खुद से करना होगा। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वो है फाइंड द सम ऑफ 45,273 एंड 34,716। तो ये है आपका यहाँ पे क्या है, नंबर। ओके, तो ये आपको यहाँ पे 2 नंबर्स गिवन है, इनका आपको सम फाइंड करना है, बट जो नंबर्स गिवन है वो आपको वर्ड्स में गिवन है, ना कि न्यूमेरल में। तो हम पहले न्यूमेरल में लिखते हैं, ठीक है? सम फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, हमें पहले न्यूमेरल में करना होगा कन्वर्ट। तो इसे कन्वर्ट कीजिए, देखो 45,000, तो 45,000 आप लिखिए, ये हो गया आपका 45,000 एंड 200, तो हमने 200 लिखा, देन 73, और ये हो गया आपका 73, राइट? अब सेकंड नंबर कौन सा है, देखो 34,000, तो ये हो गया आपका 34 एंड लिखा है आगे 700, तो ये लिखा हमने 7 एंड आगे लिखा है 16, तो ये हो गया आपका 16, राइट? तो इस तरह से आपको नंबर्स को लिखना है, देन आप उन्हें ऐड करेंगे। तो इस तरह से आप नंबर लिखिएगा, फिर उसके बाद में आप इसे ऐड कीजिएगा। ओके, तो ये जो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको सिर्फ ये जो वर्ड्स में गिवन है इनको न्यूमेरल फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया है कि कैसे आप नंबर्स को न्यूमेरल्स में लिखते हैं या फिर उन्हें वर्ड्स में लिखते हैं। तो न्यूमेरेशन में न्यूमेरल में लिखना तो सबको आना चाहिए, तो इसलिए अब हमने जब ये लिख लिया है न्यूमेरल में, तो अब हम इन्हें ईजिली ऐड कर सकते हैं जैसे हमने पहले क्वेश्चन किए थे। ओके, तो इन्हें ऐड कीजिए, यहाँ है 3 एंड यहाँ है 6, तो 3 एंड 6 को अगर आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 9। देन आप सेकंड कॉलम पे आइए, तो ये जो सेकंड वाला कॉलम है, कौन सा कॉलम होगा, ये होगा टेंथ वाला कॉलम, ये था वंस वाला, आपको सभी को पता है एडिशन हम राइट साइड से स्टार्ट करते हैं वंस कॉलम से। देन आप टेंथ कॉलम ऐड कीजिए, तो 7 एंड 1 हो गया आपका ऐड, 2 एंड 7 हो गया आपका 9, फिर 5 एंड 4 आपका हो गया है 9 एंड 4 एंड 3 आपका हो गया 7। तो ये नंबर कितना आया है आपका, ये है 5 डिजिट नंबर, जो कितना आया है 79,989। ओके, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। सिमिलरली आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी करना है। ओके, एंड जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो आपको नहीं करना है दोनों एक्सरसाइजेस में। ओके, अब है 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3, तो इसे रीड कीजिए, फाइंड सम ऑफ 55,963 एंड 16,302। तो पहले आप क्या करेंगे, इनको नंबर्स में लिखेंगे, तो लिखिए मेरे साथ में, तो लिखो 55,000, तो 55,000 हो गया, अब 963 लिखा है, तो 963। ओके, अब नेक्स्ट नंबर क्या है, 16,000, तो 16,000 हो गया एंड 300, तो ये 100 वाले प्लेस पे 3 एंड क्या लिखा है, 2, तो टेंस वाले प्लेस पे कोई नंबर गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 0 लिखेंगे एंड या वंस वाले प्लेस पे 2 लिख देंगे, राइट? अब आपको इन्हें सिंपली ऐड करना है, तो ऐड कीजिए, पहले वंस वाले कॉलम को ऐड कीजिए, तो 3 एंड 2 कितना हो गया आपका, 5, राइट? अब सेकंड कॉलम देखिए, 6 एंड 0 कितना हो गया, 6, अब 9 एंड 3 को ऐड कीजिए, तो 9 एंड 3 आपका होता है 12, तो 12 का 2 हम यहाँ लिखेंगे एंड 1 यहाँ, ये फोर्थ कॉलम कैरी कर लेगा, अब ये 1 इसी में ऐड हो जाएगा, तो 1 एंड 5 इज 6,
सिक्स एंड सिक्स इज 12, तो 12 का 2 फिर से यहाँ लिखेंगे एंड 1 यहाँ, ये कैरी हो जाएगा इस कॉलम में। तो 1 एंड 5 6, 6 एंड 1 7, तो ये कितना आंसर आ गया आपका 72,265। तो इसी तरह से आपको इसका क्वेश्चन नंबर 4 भी करना होगा। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको यहाँ ये जो 2 टाइप्स के क्वेश्चन करके बताए हैं, इसी ऐसे ही आपको बाकी के दोनों क्वेश्चंस भी आपके नोटबुक पे नोट करने होंगे। ओके,